हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं लोटस टेंपल की ओर। तो देख सकते हैं मेरा साथ सभी बंदा है, तो सुहैल जकारिया, सुहैल अहमद सब है, और मैं इसी बाइक में जाऊंगा। और यह रहा मेरा बाइक, माइलस का बाप है। यह रहा हमारा विष्णु, इसको पहले से दिखाया लेकिन उसने गुस्सा मान लिया और इसलिए फिर से दिखा दिया। और अभी हेलमेट को पहनना चाहिए क्योंकि बिना हेलमेट में कहीं पर भी नहीं जा सकता, अगर बहुत दिक्कत आ सकता है, इसीलिए हेलमेट पहन लिया। और अभी अभी जाके फ्यूल भरना पड़ेगा हमारा बाइक में, अगर बिना फ्यूल के तो घर नहीं चल सकता ना, तो इसलिए अभी हम लोगों का पेट्रोल पंप की ओर जाना चाहिए। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी पहुंच गया इंटरनेशनल हाईवे। इंटरनेशनल हाईवे में राइडिंग करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम लोग हमेशा इंटरनेशनल हाईवे चूज़ करते हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं लोटस टेम्पल की ओर। तो दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल के वजह से हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं सभी कार एक साथ रुक गया है ट्रैफिक सिग्नल के सामने। तो सामने से सभी कार जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोगों को इन्हीं कारों को क्रॉस होने के बाद हम लोगों को जाने के लिए देगा। तो दोस्तों, बने रहिए। और इधर देखिए, हमारा जो फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड लोग भी आ गया है हमारा पीछे पीछे। हम लोग एक साथ चलेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हम लोग अभी पहुंच गया साइबर सिटी की ओर। मैंने पहले बार भी आप लोगों को साइबर सिटी दिखाया था, वो था नाइट व्यू। आज आप लोग डे व्यू ले सकते हैं साइबर सिटी के अंदर में। जाने में कितना अच्छा लगता है, अब देखिए चारों ओर दीवार और बीच में से हम लोग जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। रात को तो और ही मज़ा आता है, क्योंकि रात को जो कार है ना, कार के बैक लाइट के लिए बहुत मज़ा आता है। जब देर सारे कार सामने से गुजरता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों, तो बहुत मज़ा आता है। तो यही नहीं, मज़ा आप लोग भी लीजिए मेरा वीडियो के माध्यम में। दोस्तों,
ये जो सामने लेफ्ट साइड में जितना सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, एसओवी बिल्डिंग ग्लास से बना हुआ है और देखने में खूबसूरत है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है अभी इसी रूट से गुजरने में, तो आप लोग भी इस व्यूज़ का मज़ा लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग कभी इस रूट में राइड करें और इस रूट का मज़ा लें, बहुत मज़ा आता है। सामने से जितना सारे भी बिल्डिंग होता है ना यहाँ पर, सभी ग्लास से बना हुआ है, तो आप लोग देखिए बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं दूसरे कंट्री में हूँ और ऐसा फील हो रहा है, और जो लंदन अमेरिका है ना, मुझे लगता है कि वो लोग भी पीछे रह जाएगा इस तरह की बिल्डिंग के लिए। दोस्तों फाइनली हम लोग आ गया है लोटस टेम्पल की ओर, और हम लोग का बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि थोड़ा देर बाद हम लोग इस लोटस टेम्पल में एंट्री करने वाला है। और मेरा दोस्त यारो भी पहुंच गया है, आप लोग देख सकते हैं, वो लोग भी आ गया यहाँ पर, वो लोग भी बहुत एक्साइटेड है। फाइनली हम लोग आ गया यहाँ पर लोटस टेम्पल की ओर, और मैं आप लोग चाहती हूँ यही है वो गेट, लोटस टेम्पल की गेट यहाँ से अंदर जाता है, लेकिन अभी काम कर रहा है। और मेरा साथ में जो लोग है ना वो पार्किंग के लिए गए हैं, और मैं अपना बर्फ वगैरह ठीक करना है। अरे यार सेर तो घाम गया, पसीना निकल गया सेर से, तो हम लोग अभी आ गया। इतना सारे आदमी आ गए यहाँ पर लोटस टेम्पल देखने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है अभी। क्या ही बताओ, अंदर जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर प्लेस में आने में कितना मज़ा आया। भाई देखो हमें तो मालूम ही नहीं था यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंडे का मंदिर बंद रहता है। अरे हमारा तो किस्मत ही ख़राब है कि मंदिर मंडे को आ गया हम लोग आप लोगों को टेम्पल दिखाने के लिए, क्या करूँ। अभी बाहर से ये व्यूज़ लेना पड़ेगा, तो दूसरा दिन आना पड़ेगा हम लोगों को। इससे अच्छा तो था हम लोगों को दूसरा प्लेस चूज कर। यार क्या बताओ, एक लड़की ने तो जो मंडे को बंद है इसीलिए लात मार दिया था वो साइन बुक को, लेकिन नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अंदर की ओर जाना चाहिए था, लेकिन अब मंडे है इसलिए किस्मत ही ख़राब है। लेकिन कोई बात नहीं, तो दूसरा दिन आ जाएगा देखने के लिए, और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ना कि मंडे को बंद रहेगा इसलिए। तो अंदर का जूस ले सकती है आप लोग, ये देखिए अंदर का जूस, लेकिन लेके क्या फ़ायदा है अभी। दोस्तों मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को अंदर का मनमोहा दृश्य दिखा नहीं पाया, तो इसलिए आई एम सो सॉरी, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं और एक दिन आप लोगों को ज़रूर अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। मैं हरियाणा गुरुग्राम में रहता हूँ, तो बिल्कुल चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, यह वादा करता हूँ। और मैं अभी यहाँ से जाके जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार देखने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ का मनमोहा दृश्य दिखा नहीं पाया, तो इसलिए सो सॉरी। और आप लोग मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो जो कुतुब मीनार का वीडियो है ना वो आप लोगों को मिल जाए, और बाजू वाला बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाला मेरा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मेरा साथ बने रहिए, और जो लाल का वीडियो है ना वो मैं आप लोगों को आज ही दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ से लाल किला की ओर जाऊंगा। और मुझे ये उम्मीद लगता है कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।